दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रोत्र देव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ धन जो है एक मौलिक आवश्यकता बन चुका है, यानी कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट बन चुका है। तभी तो बोला जाता है कि बाप पढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आपने कभी कल्पना की है कि अगर आपकी जेब में पैसा ना हो तो आपका बैंक बैलेंस, और आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाए तो आपका क्या होगा? इसी डर के कारण कई लोग धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के जादू टोटकों को अपनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्म और शास्त्रों में भी धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय उपस्थित हैं? हर व्यक्ति की दोस्तों एक राशि होती है, और हर चंद्र राशि का एक स्वामी ग्रह होता है, और हर ग्रह का एक इष्ट देव निश्चित है। अगर हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी व्यापारिक और वित्तीय समस्याओं का अंत हो सकता है। तो आइए जानते हैं अपनी राशि के इष्ट देव को और उनको प्रसन्न करने वाले मंत्र को, ताकि हमारे जीवन में धन संबंधित समस्याओं का अंत हो सके। जनरली हम क्या करते हैं कि धन प्राप्ति के लिए और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गलती से कभी कभी हम अपने इष्ट देव को भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में यही हम बात करेंगे कि आपके राशि के इष्ट देव कौन हैं और उनको किस मंत्र से प्रसन्न करना है, ताकि आपकी समस्याएँ धन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वो ख़त्म हों, कम हो, और आपको एक अच्छा प्रभाव देखने को मिले। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेष राशि के जातकों से। दोस्तों मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याओं के लिए अगर भगवान हनुमान जी की आराधना की जाए तो यह काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अतः जो है आपको जो मंत्र जाप करना है वो कुछ इस प्रकार से है, ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः का जाप नित्य रोज करने से आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलता है, और मंगल के दिन आप भगवान हनुमान की जरूर उपासना करें, पूजा करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपके धन की समस्या का अंत हो सकता है। दोस्तों जो लोग वृषभ राशि के जातक हैं उनका स्वामी ग्रह शुक्र माना जाता है। वृषभ जाति जातकों को धन संबंधित सभी तरह की समस्याओं के अंत के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना लाभदायक साबित होता है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो आपकी वो देवी हैं और वो प्रसन्न होंगी, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपको धन लाभ जरूर होगा। आप माँ का मंत्र जो है ओम दुर्गा देवाय नमः के जाप से वित्तीय समस्याओं का अंत कर सकते हैं, परेशानियों को आप हटा सकते हैं। तो ये मंत्र जो है ओम दुर्गा देवाय नमः आपको जाप करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो इसका जाप माँ दुर्गा के लिए जरूर करें, इससे माँ प्रसन्न होती है। जो जातक मिथुन राशि के हैं उनका स्वामी ग्रह बुध है, और मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की पूजा करने से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः के जाप से नौकरी और बिजनेस में आ रही परेशानियों का अंत होता है और आर्थिक समस्याओं से निदान मिलता है, यानी कि पैसे की कमी दूर होती है। जो जातक कर्क राशि के हैं उनका जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है, और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पर भगवान शिव का राज है। इसलिए अगर कर्क राशि के जातकों को धन संबंधी लाभ प्राप्त करना है तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य रोज जाप करना चाहिए। इससे काफ़ी फल मिलता है और कर्क वालों की धन की समस्या का यहाँ से समाधान हो सकता है। जो जातक सिंह राशि के हैं उनका स्वामी ग्रह सूर्य है, और सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्य की पूजा करने से और अर्घ चढ़ाने से ऊर्जा प्राप्त होती है और उनके धन संबंधी जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं। इसीलिए उनको मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करने से काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर वो सूर्य मंत्र का जाप करें तो सिंह राशि वालों के लिए धन के लिहाज से बेटर रहेगा। जो जातक कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना जाता है, और इस राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की पूजा से शीघ्र ही धन संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए उनको ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह शाम कर सकते हैं तो जल्दी ही आपको लाभ जो है दिखाई देगा। दोस्तों जो तुला राशि के जातक हैं उनका स्वामी ग्रह शुक्र है, और तुला राशि वालों को देवी लक्ष्मी जी की पूजा लाभदायक मानी जाती है। अगर जो है आप देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो कि ऑलरेडी धन की देवी हैं, तो आपको जल्दी जो है सफलता मिलती है, और जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लें तो धन संबंधी समस्याओं का अंत होना बिल्कुल तय है। इसीलिए तुला वालों को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से फ़ायदा मिलता है और जल्दी मिलता है। जो जातक वृश्चिक राशि के हैं उनका ग्रह मंगल है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए हनुमान जी की पूजा काफ़ी शुभ बताई जाती है। मंत्र ओम हाँ हनुमते नमः, ओम हाँ हनुमते नमः मंत्र को जाप से शारीरिक पीड़ा और धन संबंधित पीड़ा का अंत होता है और जो रुकावटें आ रही हैं वो हनुमान जी की कृपा से दूर होती हैं, क्योंकि ये आपके राशि को डिनोट करते हैं। जो धनु राशि के जातक हैं उनको बृहस्पति ग्रह से जो है डिनोट किया जाता है, बृहस्पति ग्रह उसके कारक होते हैं और धनु राशि वालों के लिए भगवान विष्णु की पूजा शुभ होती है। मंत्र ओम श्री विष्णुय नमः, ओम श्री विष्णुय नमः मंत्र के नित्य जाप से बिजनेस में लाभ प्राप्त होता है। एक्चुअल मंत्र जो है आप गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको रिसिटेशन मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो जातक मकर राशि के हैं तो मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए शनि या हनुमान जी की पूजा इन जातकों के लिए काफ़ी शुभ मानी जाती है। मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः ये जो मंत्र है इसका जाप करने से बाधा दूर होती है और सुख शांति मिलती है। दोस्तों जो जातक कुंभ राशि के हैं उनके लिए शनि जो हैं उनके स्वामी हैं उनकी राशि के, और शनि के गुरु भगवान शंकर माने जाते हैं, इसीलिए इस राशि वालों को शनि के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जो है इनको जाप करना चाहिए। ओम महामृत्युंजय नमः इस मंत्र का जाप नित्य करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और कुंभ वालों को जिनको स्पेशली धन की समस्या आगाहे बगाहे झेलनी ही पड़ती है तो वो जो है शनिवार के दिन या सोमवार के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार अगर करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक बार आप करके देखिए, आपको जो है ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों जो जातक मीन राशि के हैं उनका स्वामी बृहस्पति होता है और इस राशि के जातकों को भगवान नारायण का ध्यान और मंत्र जाप करने से धन संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए इनको जो मंत्र जाप करना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है, ओम नारायण नमः एवं ओम गुरुदेव गुरुवे नमः, ओम नारायण नमः एवं ओम गुरुवे नमः ये दो मंत्र जो हैं एक साथ यूज किए जा सकते हैं। इनका जाप करने से आपको काफ़ी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो जो भगवान नारायण का मंत्र है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ये मंत्र जो है आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा आपकी धन समस्याओं में। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जितनी भी राशियां हैं और जितने भी मंत्र हैं ये इनके स्वामी के मंत्र हैं, तो जो राशि के जो भगवान हैं उनके मंत्र हैं। अगर वो नियरेस्ट होते हैं आपके, जो दूर के भगवान होते हैं जो आपकी राशि के संबंधित नहीं होते हैं उनको फल देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आपके राशि के स्वामी हैं उनको अगर आप प्रसन्न कर लें और राशि के स्वामी के भी जो देव हैं उनको ही प्रसन्न कर लें तो आपको जल्दी ही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।